टीपू जो कि हमारे भास्कर परिवार के बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं, उनसे गुजारिश है कि आप कृष्ण कुमार ऋषि जो कि पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के और काफी ऊर्जावान भी हैं, उन्हें सम्मानित करते हुए उनका स्वागत और उनका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर संजीव कुमार मिश्रा जिनके आज इस परिसर में आज यहाँ पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है जो धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर्स, तो आज उन डॉक्टर्स को सम्मानित करने का दिन है और ये बीड़ा उठाया है दैनिक भास्कर परिवार ने, तो हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनका स्वागत करने के लिए पुष्प लेकर प्रवीण कुमार जो हमारे साथी हैं भास्कर परिवार के, वो हमारे संजीव कुमार मिश्रा जी हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रेजेंटर हैं मुख्य, उनका स्वागत उनका अभिनंदन पुष्पगुच्छ देकर। हमारे बीच अभी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर नरेंद्र कुमार नीरज राजकुमार चौधरी जी जो हमारे बीच महाकाली मोटर्स के आए हैं, उनका स्वागत उनका अभिनंदन करेंगे पुष्पगुच्छ देकर। नरेंद्र कुमार नीरज महाकाली मोटर्स के हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी हमारे पार्टनर, उनका स्वागत उनका अभिनंदन करते हुए हमारे भास्कर परिवार के साथी। आप तमाम यहाँ पर उपस्थित सम्मानित लोगों के बीच मैं आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर की ये मुहिम कोरोना के विषम परिस्थितियों में जो भगवान बनकर यहाँ पर जिन्होंने तमाम जो लोग कोविड से भाग रहे थे दूर, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, ऐसे में डॉक्टर्स ने जो भूमिका अदा की है उनकी जितनी भी तारीफ की जाए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम हो गई। लेकिन दैनिक भास्कर ने यह बीड़ा उठाया कि आज वैसे कोविड के समय में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जरा भी वो अपने उस हालात से दिगे नहीं और उन्होंने लगातार लोगों की सेवाएं की, लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया, उन तमाम डॉक्टर्स को आज इस मंच से सम्मानित किया जाएगा पूर्णिया के सजमी पर। हमारे बीच हमारे तमाम पार्टनर्स मौजूद हैं, तमाम आप लोग गणमान्य लोगों की उपस्थिति है और साथ ही उपस्थिति है माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी का, इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। और हमारे बीच हमारे माननीय विधायक विजय खेमका जी, साथ ही हमारे बीच यहाँ के पूर्व मंत्री बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि और साथ ही हमारे दैनिक भास्कर भागलपुर से चल के आए बिहार स्टेट टू एडिटर ऑनरेबल राजेश रंजन सर और उनके साथ हमारे यूनिट हेड ऑनरेबल मिस्टर अजीत कुमार जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम लोगों की उपस्थिति में आज अब से कुछ ही देर के बाद उन तमाम डॉक्टर्स को हम सम्मानित करेंगे जो हमारे बीच आए हैं। और फिलहाल आपकी उपस्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप लोग निश्चित रूप से उन तमाम डॉक्टर्स का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और आज हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे जब आज दैनिक भास्कर के सुमन से आज उन तमाम डॉक्टर्स को हमें सम्मानित करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। दैनिक भास्कर जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अखबार समूह है और उनकी लगातार कोशिश होती है जो सामाजिक जो सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन तमाम मुद्दों को हम उठाते हैं। और दैनिक भास्कर परिवार न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है, हम तो आईना बन के काम करते हैं कि जैसा जिसका चेहरा होता है हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं और लगातार जो अच्छी चीजें होती हैं सरकार की वो आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होता है और जहां भी जो कमी होती है उन कमियों की तरफ भी हम ध्यान आकृष्ट करते हैं सरकार का प्रशासन का ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके और आम जन सरोकार से जुड़े उस मुद्दे को हम लगातार अपनी आवाज देते हैं अपनी आवाज बुलंद करते हैं। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस भास्कर डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड में। अभी अभी हमारे बीच यहाँ के पूर्णिया के सांसद ऑनरेबल संतोष कुशवाहा जी भी आने वाले हैं, बस उनका इंतजार हो रहा है कि कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच होंगे और फिर हम कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे और हम अपने तमाम अतिथियों को फिर मंच पर आमंत्रित करेंगे।
हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ऑनरेबल मंत्री महोदया, पूर्णिया के नगर विधायक ऑनरेबल विजय खेमका जी, साथ ही कृष्ण कुमार ऋषि जी जो कि पूर्व मंत्री बिहार सरकार के बनमनखी के विधायक हैं, बहुत ही ऊर्जावान, और जब ये कला संस्कृति मंत्री थे तो बहुत कुछ इन्होंने किया था बिहार में यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के कलाकारों को बढ़ाने के लिए। रामायण का विराट मंचन इन्होंने किया था सिंहेश्वर में, उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। अभी हमारे बीच मौजूद हैं हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए, साथ ही हमारे बीच बिहार टू स्टेट एडिटर ऑनरेबल राजेश रंजन सर हैं और यूनिटेड ऑनरेबल अजीत कुमार, और साथ ही आप तमाम गणमान्य लोग, यहाँ के सम्मानित डॉक्टर्स जिन्हें आज इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा, और साथ ही हमारे साथी कलाकार भी मौजूद हैं जो अब से कुछ ही देर के बाद अपनी कला का प्रदर्शन भी इस मंच से करेंगे। तो अब एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय खाद्य संरक्षण एवं उपभोक्ता मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी का, और उनके साथ पूर्णिया के नगर विधायक श्रीमान विजय खेमका जी, हमारे बनमनखी के विधायक श्रीमान कृष्ण कुमार ऋषि जी, और साथ ही अपने संपादक महोदय और यूनिटेड महोदय, और हमारे जो पार्टनर्स यहां पर मौजूद हैं ऑनरेबल संजीव मिश्रा सर और उनके साथ राजकुमार चौधरी महाकाली मोटर्स के, उन लोगों से भी सादर अनुरोध होगा कि आप कृपया मंच तक आए और ये लैंप लाइटिंग दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आपके कर कमलों द्वारा और मंत्रोच्चार के लिए मैं माइक्रोफोन जब दीप प्रज्वलित किया जाएगा तो यहाँ के मशहूर पूर्णिया के तिवारी बाबा वो मंत्रोच्चार करेंगे, और अब हमारे बीच जिनका इंतजार हो रहा था यहाँ के ऊर्जावान सांसद पूर्णिया के संतोष कुशवाहा जी आ चुके हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ दैनिक भास्कर परिवार की तरफ से, और आग्रह होगा साथी मनोहर जी से कि वो माननीय सांसद महोदय को लेकर मंच तक आए और दीप प्रज्वलन के समय दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में उन्हें शामिल कराएं माननीय सांसद पूर्णिया संतोष कुशवाहा जी, और हमारे पार्टनर्स संजीव कुमार मिश्रा और उनके साथ राजकुमार चौधरी, और आइए माइक्रोफोन यहाँ के मशहूर तिवारी बाबा के हाथों। आरोग्यम सुख संपदाम सत्रु बुद्धि विनाश दीपो ज्योति नमस्ते हरि ओम भद्रं गणेश शृणयाम देवा भद्रं पजेमाच विजतहारिवशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न सदोहमति देवाय चानचक्रा जरसङ्गनो मा महापुराशो यत्रवितरो भवमिमानो मध्यारेह्यतायुर्गन्धो अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं वा रोहो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वा शान्तिर्भवतु मङ्गलमस्तु महाभागाय नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा विनायकं कुरु भानौ ब्रह्म विष्णो महेश्वरा सरस्वती प्रणयादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये धर्मकार्यार्थ सिद्धये मंगलकार्यार्थ सिद्धये। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय तिवारी बाबा आपका और हमारे तमाम
अतिथियों का। और अभी भी हमारे बीच यहाँ पर श्री संतोष कुशवाहा जी जो पूर्णिया के बहुत ही युवा और प्रतिभाशाली सांसद हैं, लगातार दूसरी बार आवाज उठाते हैं लोकसभा में, सदन में, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं मनोहर कुमार जो हमारे भास्कर परिवार के साथी हैं कि वो पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे हमारे माननीय सांसद महोदय का। आज ये भगवान गणेश की प्रतिमा आप देख रहे हैं, गणेश चतुर्थी का पर्व जो पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की वंदना और अभी अभी ये दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है। और अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मिस्टर मनोहर जी की वो स्वागत और अभिनंदन करें हमारे बीच अभी अभी आए हमारे पूर्णिया के ऊर्जावान सांसद ऑनरेबल संतोष कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय सांसद महोदय आपका। और आइए अब भगवान गणेश की स्तुति करते हैं और भगवान गणेश वंदना के लिए हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं मिस्टर अमित कुमार को जो अपनी प्रतिभा के बीच लेकर आपके बीच आए हैं भगवान गणेश की वंदना उनकी स्तुति करने के लिए। तो आइए हम सब आनंद उठाएं अमित जी की इस प्रस्तुति का। जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिंधु सुंदर सब लायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बुद्धि
सारिधि बुद्धि विधाता जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सही राम सिय मानस मोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसही राम सिय मानस मोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसही राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन बहुत 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 शुक्रिया अमित जी आपका आपकी इन प्रस्तुति के लिए और भगवान गणेश की वंदना के बाद आइए स्वागत अभी पुष्पगुच्छ से हुआ था और स्वागत शब्दों से करने के लिए आप तमाम लोगों का हम इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बिहार टू के स्टेट लीडर ऑनरेबल मिस्टर राजेश रंजन सर से कि वो आए और आप तमाम अतिथियों का स्वागत अपने शब्दों के माध्यम से करें और आपसे गुजारिश की आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और इस्तकबाल करें बिहार टू के स्टेट लीडर ऑनरेबल मिस्टर राजेश रंजन सर बहुत बहुत धन्यवाद और एक सौभाग्य की बात है कि भास्कर परिवार की तरफ से मैं आपका इस मंच से स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि मिलिंद जी ने बताया कि भास्कर सिर्फ खबरों से और अखबार से हमारा संबंध नहीं है बल्कि भास्कर परिवार लगातार समाज में जो अच्छी चीजें हो रही है उसको अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करने का प्रयास लगातार करता रहता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जब आप किसी को अप्रिसिएट करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं तो समाज में जो सकारात्मक मूल्य है जो सकारात्मक कोशिश है उसको एक गति मिलती है और अल्टीमेटली जो जिस प्रोफेशन में है वो बेहतर समाज के लिए जो काम कर रहे हैं उस सोच को बल मिलता है और वो एक अच्छे रिजल्ट के साथ हमारे सामने होता है। इस तरह के आयोजन का ये एक पॉजिटिव उद्देश्य जो है एक जो अभी चर्चा हो कि दैनिक भास्कर समूह विश्व का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा समूह है और भारत के हम सबसे बड़े मीडिया समूह। एक जो गर्व करने लायक बात यह है कि अभी जो एक रिपोर्ट आई है ये एजेंसी है ग्लोबल ट्रस्टवर्दीनेस इंडेक्स 2022 इसमें जिस पेशे पर लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया है ऐसे 18 पेशों पे ये स्टडी हुई है तो जो सबसे ज्यादा लोगों ने जिस पेशे पर यकीन जताया है वो मेडिकल प्रोफेशन है। आप जैसे सम्मानित जो डॉक्टर्स हैं उस पर लोगों के ट्रस्ट का ये लेवल है ये लेटेस्ट डाटा है ये आपके लिए गर्व करने की बात है और हम और आप दैनिक भास्कर और आप जब एक मंच पे हैं तो ये हम दोनों के लिए एक साथ गर्व करने लायक बात है। और अगर दो अच्छे लोग दो अच्छी चीजें दो अच्छे लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो निश्चित रूप से वो एक सकारात्मक दिशा में जाती है ये कोशिश उसका ही एक हिस्सा है। भास्कर की जहां तक खबरों की बात है जैसा कि चर्चा हुआ कि हम
न तो किसी से मित्रता का भाव रखते हैं, न शत्रुता का भाव रखते हैं। अगर सत्य है तो उसको बहुत सहजता के साथ हम उस सच को पूरी ताकत से कहने पे विश्वास रखते हैं, और अगर कोई चीज गलत है तो मजबूती से उसके विरोध का ताकत भी रखते हैं। हम इसी संस्कार और इसी संस्कृति पे चलते रहेंगे, और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यकीन का जो ये संबंध है, ये निश्चित रूप से रोज नई ऊंचाई चढ़े और नई मजबूती के साथ हम लोग आगे हैं। बतौर पाठक, बतौर अखबार हमारा संबंध है ही, निश्चित रूप से हम एक परिवार के सदस्य हैं। मेरी बहुत शुभकामना आपको कि जिन डॉक्टर्स ने विपरीत स्थिति में काम किया है उसको भास्कर एक सम्मान के साथ उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ताकि समाज में वो और ताकत के साथ अपनी इस तरह की कोशिशों को जारी रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मिस्टर राजेश रंजन सर, और आप थे हमारे बिहार टू के स्टेट एडिटर, और लंबे समय से आप दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और बहुत ही कम और सार्थक शब्दों में इन्होंने अपनी बातों को रखा है आपके बीच कि किस सोच के साथ भास्कर आपके बीच आज यहां पर मौजूद है। और आइए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर आप सबों के बीच अपनी बात रखने के लिए। भास्कर के इस प्रयास को क्यों आपके इस अंजाम तक पहुंचाया गया है, इन तमाम चीजों को रखने के लिए भागलपुर के बहुत ही ऊर्जावान यूनिट हेड ऑनरेबल मिस्टर अजीत कुमार सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आए और उपस्थित लोगों के बीच दैनिक भास्कर परिवार की तरफ से अपनी बातों को, अपने विचारों को साझा करें। आदरणीय हमारे सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित जन समुदाय एवं धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स, भास्कर के 7 साल पूरा होने के बाद पूर्णिया में जब हमने इसकी लॉन्चिंग करी थी, तो हमारे 7 साल जब पूरे हुए तो हमने सोचा पहली बार एक कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाए, कुछ ऐसा कार्यक्रम जिसकी चर्चा हो। हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे, आखिर हम करें तो क्या करें, कैसे करें, क्या रूप देखा उस कार्यक्रम के। फाइनली हमने जो किया कि ये अपना पहला कार्यक्रम धरती के भगवान को समर्पित किया। जब हमने इसकी चर्चा की हमारे कुछ प्रोमिनेंट शहर के चर्चित और शहर के विश्वसनीय लोगों से, हमारे ई होम्स के एमडी संजीव शर्मा जी, ब्रजेश ऑटोमोबाइल, और पूर्णिया को एक शैक्षणिक मानचित्र पर स्थापित करने वाले हमारे विद्या विहार ग्रुप के संचालक रमेश चंद्र मिश्रा जी, महाकाली मोटर्स के मार्फत इस पूरे क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र को एक अलग नई दिशा देने वाले तथा विभिन्न लोगों को अपने रोजगार से उपलब्ध करने वाले राजकुमार चौधरी जी, जब लोगों से हमने चर्चा की तो इनका हमें काफी सहयोग मिला, और इन लोगों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने में हमें काफी योगदान दिया, इसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूँ। अब जैसा कि हमारे एडिटर साहब ने बताया कि हम एक सच की परिकल्पना करते हैं, बेहतर सच को काफी नजदीक से दिखाने की हमारी हमेशा कोशिश होती है। हमारी ये परिकल्पना हमें एक बेहतर पाठक वर्ग भी हमें देती है, ऐसा पाठक वर्ग जो प्रत्येक दिन सुबह में हमारे अखबार के थ्रू आप सभी से और हमसे जुड़ने के लिए उनको बाध्य करता है। हमारी खबरों की विश्वसनीयता ऐसी होती है जिसके थ्रू वे हमसे जोड़ते हैं, हम उन्हें कैप्टिव ऑडियंस का भी नाम देते हैं, जिनकी एक समझ होती है, एक ये बेहतर पाठक वर्ग होता है, और इनके थ्रू हमारी बातें बेहतर तरीके से पुनः प्रसारित होती है। ये सिर्फ इनका बौद्धिक स्तर जो है वो काफी बेहतर होता है, ये बातें मैं नहीं कहता हूँ, हमारी संस्था जो एक प्रसार संख्या, हर एक अखबार की एक प्रसार संख्या होती है, उनका सर्कुलेशन नंबर होता है जो समय समय पर आप सभी लोगों के सामने आता भी रहता है। वो सर्कुलेशन नंबर के अलावा एक और संस्था होती है IRS, इंडियन रीडरशिप सर्वे, ये एक स्वैच्छिक संगठन होता है, ये प्रमाणित और उसी ढंग से प्रमाणित होता है जैसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC को दिया जाता है। ये संस्था ये प्रमाणित करती है कि वो पाठक का वर्ग कैसा था, उनका क्लास कैसा था, क्या वो पाठक समाज के किस स्तर से संबंध रखते थे, उनका शैक्षणिक स्तर क्या था। इन तमाम स्तरों पर मैं मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भास्कर एक ऐसा समूह है जिसके पास जो पाठक संख्या है, जो पाठक वर्ग है, उसके 60% से ज्यादा पाठक स्नातक या उससे उच्चतर शिक्षा की अर्हता। सामान्यतः अगर किसी प्रकार का मैसेज या स्पेशल मैसेज या किसी प्रकार के विज्ञापन के माध्यम से अगर आप इसकी चर्चा करते हैं, अपने किसी मैसेज को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे पाठक वर्ग या ऐसा समुदाय इस चीजों को पुनः प्रसारित करने में काफी बेहतर भूमिका अदा करता है।
एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का 12 राज्यों तथा 62 संस्करण से प्रकाशित होने वाले भास्कर समूह की ओर से आप सभी उपस्थित जनमानस का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल यूनिट हेड मिस्टर अजीत कुमार सर। और इन्होंने बताया कि भास्कर की सोच के साथ आगे बढ़ा है और आपके बीच आया है। और आइए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर बहुत ही आदर के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं हमारे बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बनमनखी के विधायक ऑनरेबल कृष्ण कुमार ऋषि सर से कि वो आए और यहां पर आज के इस मंच पर दैनिक भास्कर के इस कार्यक्रम में अपनी बातों को यहां के डॉक्टर्स के बीच रखें। आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और इस्तकबाल करें। आपके बीच कृष्ण कुमार ऋषि पूर्व मंत्री बिहार सरकार। आज दैनिक भास्कर परिवार की ओर से चिकित्सक सम्मान समारोह रखा गया है। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मैं दैनिक जागरण परिवार की ओर से आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सराहनीय कार्य है और इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित है हमारे वर्तमान मंत्री बगल के विधायक ऋषि सिंह जी, पूर्णिया के सांसद भाई संतोष कुशवाहा जी, स्थानीय विधायक विजय खेमका जी, सामने बैठे देख रहे हमारे सिविल सर्जन साहब और ऐसे सम्मानित डॉक्टर साहब कि जिन्होंने हमने देखा है कि कोरोना काल में जो डॉक्टर सम्मानित जो हुए हैं लोगों को जान बचाने में, लेकिन इससे कई और पहले से भी ऐसे डॉक्टर हैं हम लोगों के बीच जो सामाजिक कार्य में जुड़ी रखते हुए समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। ऐसे यहाँ उपस्थित रेवी राम जी, मुकेश जी, सम्मानित यहाँ के दैनिक जागरण के परिवार के लोग, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भास्कर भास्कर परिवार को कि आपने बहुत सराहनीय कार्य की भीड़ा उठाई है। मैं कामना करता हूं ऊपर वाले से कि आपका यह सराहनीय कार्य रात दिन चौगुना और आगे बढ़ते रहे। शुभकामना है आपका। और जिस तरह आपने सामाजिक सरोकार और जिस कार्य से आपने शुरू किया है निश्चित रूप से आपके समाज में आपका सराहनीय कार्य है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल कृष्ण कुमार ऋषि सर आपका आपके इन शब्दों के लिए। और अभी अभी हमारे बीच महाकाली मोटर्स के डायरेक्टर संजीत कुमार सुमन जी मौजूद हैं। मैं मनोहर कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। हमारे आज के इस कार्यक्रम के सहयोगी जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित करने में, उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत उनका सम्मान करते हुए भास्कर परिवार के हमारे मनोहर जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम आज दैनिक भास्कर परिवार की तरफ से हो रहा है। ऐसे में हमारे पूर्णिया के अभिभावक यहां के विधायक विजय खेमका जी से मैं सादर अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और यहां पर उपस्थित लोगों के बीच आज के इस भास्कर के डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड में अपनी बातों को अपने विचारों को साझा करें। और आप जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें हमारे माननीय विधायक महोदय का। वंदनीय मातृभूमि गणपति को नमन करते हुए आज शहर के इस पनोरमा होम परिसर में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित चिकित्सक सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री मैडम ऋषि सिंह जी, यहाँ के सांसद भाई संतोष कुशवाहा जी, बनमनखी के विधायक पूर्व में मंत्री रहे भाई कृष्ण कुमार भारती जी,
मंचा सेन, यहाँ के चर्चित प्रचित चिकित्सक डॉक्टर देवीराम जी, डॉक्टर मुकेश जी, तिवारी बाबा, यहाँ के सिविल सर्जन वर्मा जी और दैनिक भास्कर परिवार के स्टेट के अधिकारी भाई राजेश जी, भाई अजीत जी, यहाँ के ब्यूरो चीफ मनोहर जी, दैनिक भास्कर परिवार के सदस्यगण और दैनिक भास्कर अखबार के पाठकगण, बहनों और भाइयों, मित्रों, साथियों, चिकित्सक सम्मान कार्यक्रम प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और दैनिक भास्कर ने इसका आयोजन किया है, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। दैनिक भास्कर हमें नित्य उठाता है, जगाता है, अच्छी खबरों से रूबरू कराता है। परिस्थिति स्थिति कैसे ही रहे, लेकिन दैनिक भास्कर अच्छी और सच्ची खबरों से हमें बराबर अवगत कराते रहता है। और दैनिक भास्कर अखबार सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी आगे रहता है। कोई साल ऐसा नहीं बीतता है जिसमें सामाजिक सरोकार के दो एक कार्यक्रम दैनिक भास्कर की ओर से आयोजित नहीं किए जाते हैं। और आज दैनिक भास्कर परिवार ने चिकित्सक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उसके लिए उन्हें शुभकामना देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और वैश्विक महामारी जो कोविड-19 पूरे विश्व के लिए एक ऐसी वैश्विक महामारी थी जिसमें हर कोई परेशान था, पूरा देश और पूरा विश्व कोविड के झंझावत से जूझ रहा था। उस समय में जो अपनी जान की सुरक्षा में लगे हुए थे, रक्षा में लगे हुए थे, ऐसी विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो लोगों की सेवा करने का काम किया, उसकी प्रशंसा, उसकी चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। पूरे विश्व में और पूरे देश में, बिहार प्रदेश में भी और इस पूर्णिया में भी उस समय के चिकित्सकों ने जो अनूठा योगदान देने का काम किया, वो पूर्णिया, बिहार और देश के इतिहास में लिखा जाएगा। चिकित्सकों को अनेक तरह के सम्मान से सुशोभित किया गया और निश्चित रूप में वे उसके पात्र भी हैं, हकदार भी हैं। आपने अभी बताया कि एक सर्वे के माध्यम से चर्चा में आया कि सबसे अनूठा प्रयास इनका था, उस कोटि में, उस श्रेणी में सबसे ऊपर ये रहे हैं और उस दृष्टिकोण से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अग्रणी जो व्यक्तित्व हैं, उनका भी आपको सहयोग मिला, उनका भी सुझाव मिला और आपने आज ये कार्यक्रम आहूत किया है। आपने ये कार्यक्रम आज यहाँ संपादित हो रहा है। मैं ऐसे तमाम जो हमारे चिकित्सकगण हैं, जो सेवा के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहे हैं और समाज की सेवा करते रहे हैं, व्यक्ति की सेवा करते रहे हैं, और वैश्विक महामारी कोविड-19 में तो आपने एक उदाहरण जो पेश किया उसके लिए आप प्रशंसा प्रशंसनीय हैं। जितनी प्रशंसा की जाए उसकी कम है। मैं आप सबको भी आज जो ये कार्यक्रम दैनिक भास्कर के द्वारा आयोजित है, चिकित्सकों को सम्मान कार्यक्रम आपको जो समर्पित है, मैं आपको भी बधाई देता हूं और अपनी मंगल शुभकामना देता हूं। और इसी के साथ ये कामना करता हूं कि दैनिक भास्कर सदैव हमें उठाते रहे, हमें जगाते रहे, नित्य नई अच्छी और सच्ची खबरों से हमें रूबरू कराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, आप थे पूर्णिया के नगर विधायक ऑनरेबल विजय खेमका जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से भास्कर परिवार की सोच को आपके बीच रखा है और डॉक्टर्स को लेकर क्या सोच रही है उनकी भी, क्योंकि कोविड 19 से पूरा विश्व जहां जूझ रहा था, केवल डॉक्टर्स कई हमारे भारत के डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई पीपीई किट पहनकर, आप 5 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी उन पीपीई किट के सहारे मरीजों का इलाज करना और जो कोविड से जूझ रहे थे उनका इलाज करना, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और इसलिए डॉक्टर्स को इस धरती का भगवान कहा गया है। हम निश्चित रूप से उन तमाम डॉक्टर्स के प्रति अपने बहुत बहुत उनके प्रति सम्मान जताते हैं कि उन्होंने उस विषम परिस्थिति में भी इस धरती पर तमाम लोगों को अपनी सेवा भाव से अपनी सेवाएं दी है। और आइए अब मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच पूर्णिया के युवा सांसद जो लोकसभा में अपनी बात को लगातार उठाते रहे हैं, आज आपके बीच दैनिक भास्कर के मंच पर जहां हम डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं उस पर अपने विचारों के साथ अपने संबोधन के लिए आपके बीच आपके पूर्णिया के युवा सांसद ऑनरेबल मिस्टर संतोष कुशवाहा, जोरदार तालियों से आप इनका भी अभिनंदन करें। आज के इस दैनिक भास्कर परिवार की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री माननीय लेसी सिंह जी, खाद्य उपभोक्ता मामले, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्णिया सदर के माननीय विधायक भाई विजय खेमका जी, बनमनखी के विधायक पूर्व मंत्री भाई कृष्ण कुमार ऋषि जी, दैनिक भास्कर परिवार के बिहार के स्टेट एडिटर, बिहार के एडिटर टू और पूर्णिया के वासी भाई राजेश रंजन जी, यूनिट के हेड अजित कुमार जी और हमारे पूर्णिया के संपादक मनोहर जी, और जिनके सम्मान में आज यह कार्यक्रम रखा गया है, पूर्णिया के जाने पहचाने चर्चित हमारे डॉक्टर देवीराम साहब, चर्चित और परिचित हमेशा सेवा में लगे रहने वाले डॉक्टर डॉक्टर मुकेश जी, डॉक्टर कौशल किशोर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित तिवारी बाबा समेत यहां उपस्थित दैनिक भास्कर परिवार के सभी साथी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं दैनिक भास्कर परिवार को अपनी ओर से स्नेह कार्य के लिए उनका हम इस्तकबाल करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है कोविड जैसे वैश्विक महामारी में, और हम मुझे तो पूर्णिया के डॉक्टरों पे भी गर्व है कि चूंकि जब कोविड चल रहा था पूरे देश और दुनिया में जो परिस्थितियां थी, चूंकि उस वक्त हम लगातार डॉक्टरों के संपर्क में रहते थे, जिला प्रशासन के संपर्क में रहते थे, हम लोग देखते थे कुछ डॉक्टर तो ऐसे भी मिले अगर उसको हम फोन करते थे तो वो अपने मोबाइल से जाके मरीजों से भी बात कराते थे, ऐसे भी डॉक्टर को देखे उनको हम उन पे हम बोले भी कि भाई आप मोबाइल से क्यों बात कराते हो, बोला सर कुछ नहीं होगा, आप मनोबल तो बढ़ा दीजिए मरीज का, हमारा मरीज ठीक हो जाएगा, ऐसे भी डॉक्टर पूर्णिया में मिले। लगातार हम लोग भी कोविड काल में दो दो बजे तीन तीन बजे रात तक बैठ के सिर्फ मॉनिटरिंग ही करते थे, देखते थे जो क्षेत्र के लोगों की समस्या होती थी, लोग जो मरीज होते थे, बेड नहीं मिलता था, अस्पताल नहीं खाली मिलता था, ऐसे में हम लोग कई जो हमारे शहर के बड़े हॉस्पिटल है, शहर के बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने काफी मदद किया इस कोविड वैश्विक महामारी में, ऐसे डॉक्टरों को हम
जितनी उनकी प्रशंसा करे वह कम होगा, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं इस दैनिक भास्कर परिवार के इस मंच पर। ऐसे डॉक्टरों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और साथ ही इस आयोजन के लिए हम भास्कर परिवार को विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम दैनिक भास्कर का है और डॉक्टरों के सम्मान में है। इसमें मैं बाधा नहीं बनना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सांसद महोदय, आप थे आपके पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद जो अपनी आवाज लोकसभा में बुलंद करते हैं, आपके बिहार की बात, आपके पूर्णिया की बात को वहां पर बहुत जोरदार तरीके से रखते हैं। उन्होंने अपनी बातों को रखा है बहुत ही कम और सार्थक शब्दों में। हम उनका भी इस्तकबाल और अभिनंदन करते हैं। और अब इस मंच पर बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बिहार सरकार की मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती लेसी सिंह महोदया से कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में दैनिक भास्कर परिवार की इस मुहिम डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड में अपनी बातों को, अपने विचारों को रखें और हमें लाभान्वित करें। और आप सबसे गुजारिश की जोरदार तालियों से आप मैडम का उत्साहवर्धन करें, उनका स्वागत अभिनंदन करें। थैंक यू। आज दैनिक भास्कर परिवार की ओर से आयोजित डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड 2022 के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्णिया के माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, माननीय सदर विधायक आदरणीय विजय खेमका जी, माननीय बनमनखी विधायक आदरणीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, यहाँ उपस्थित दैनिक भास्कर परिवार के स्टेट एडिटर बिहार टू आदरणीय राजेश रंजन जी, जो पूर्णिया जिला के हैं और इस धरती के पुत्र हैं, हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। यूनिट हेड भागलपुर आदरणीय अजीत कुमार जी, पूर्णिया के दैनिक भास्कर परिवार के चीफ ब्यूरो आदरणीय मनोहर कुमार जी, यहाँ उपस्थित पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर एस के वर्मा जी, जाने माने चिकित्सक और समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर देवी राम जी, और सामाजिक क्षेत्र में लगे रहने वाले वैसे डॉक्टर आदरणीय मुकेश जी, समाज सेवी आदरणीय राजकुमार चौधरी जी, पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय तिवारी बाबा, राकेश जी, अविनाश जी, पप्पू जी, और मंच संचालन कर रहे हैं दैनिक भास्कर परिवार के मनीष जी, यहाँ उपस्थित सभी दैनिक भास्कर परिवार के सभी सदस्यगण, दैनिक भास्कर के सभी सुधी पाठकगण, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, उपस्थित सभी आदरणीय डॉक्टर्सगण, प्रबुद्धजन, आज बहुत ही अच्छी पहल दैनिक भास्कर परिवार की ओर से ये आयोजित। और वैसे चिकित्सकों के लिए ये सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिनको कि धरती का भगवान का दर्जा प्राप्त है। ये बहुत ही अच्छी पहल है, इससे और अच्छी पहल कुछ हो ही नहीं सकती। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर परिवार लगातार, जैसा कि अभी सभी उनके जो बड़े इस परिवार के अधिकारी हैं, उन लोगों ने विस्तार से बताया किस गति के साथ दैनिक भास्कर परिवार अपनी ऊंचाई को चूम रही है। निष्पक्ष ढंग से, निर्बाध ढंग से,
और अपनी लेखनी की बदौलत अपने सुधी पाठकों के बीच एक अपनी अच्छी पहचान बनाई। लगातार इतने कम समय में देश स्तर पर पाठकों की संख्या और अच्छी प्रशंसा करने वालों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। मैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर परिवार के सभी जितने भी यहाँ पर उन परिवार के सदस्य हैं, उन तमाम परिवार के सदस्यों को शुभकामना देती हूँ और बधाई देती हूँ। आपका अखबार नित्य प्रतिदिन आपके लेखनी की बदौलत निष्पक्षता से जो एक आयना के रूप में समाज में अच्छी और बुरी खबरों को जो आप लेखनी के माध्यम से लोगों के बीच रखने का काम करते हैं, इसके लिए आपकी जो पाठकों की संख्या है, आपके जो शुभ चिंतकों की संख्या है, आपके भास्कर परिवार को चाहने वालों की संख्या है, निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके लिए मैं आप तमाम भास्कर परिवार के सभी साथियों को, सभी परिवार के सदस्यों को शुभकामना देती हूँ। आप लोग मेहनत करके इस ऊंचाई पर भास्कर परिवार को ले जा रहे हैं और मेरी शुभकामना है और भी दिन प्रतिदिन आपकी पकड़ पाठकों के बीच, लोगों के बीच आपकी पकड़ और अच्छी पहचान बने, यही शुभकामना। और जिनके लिए आज आप ये डॉक्टर्स अवार्ड उनको सम्मानित करने के लिए आप भास्कर परिवार की ओर से ये आयोजित की गई है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम, क्योंकि आप सभी लोग देख ही रहे थे किस तरह से हम लोग दो तीन वर्षों से जो कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, वैसी परिस्थिति में हमारे जो सभी चिकित्सकगण हैं उन्होंने किस तरह से अपना जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करते रहे, लोगों की इलाज करते रहे और लोगों को जान बचाने का काम करते रहे। ये सबसे पहले लोगों को अपनी जान की परवाह रहती, अपने परिवार की चिंता रहती, अपने बाल बच्चे की चिंता रहती, लेकिन वैसी परिस्थिति में जो डॉक्टर्स का दायित्व है, जो धरती का भगवान का दर्जा प्राप्त है, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करते रहे, ये उनके लिए जितना भी सम्मान हम लोग दें वो कम होगा। और इलाज के करते हमारे कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गवाई है, उनका जान भी चला गया, कई हमारे हजारों हजार की संख्या में डॉक्टर्स की जान गई है लोगों की इलाज, लोगों को बचाने के लिए। ये वैसे डॉक्टर्स जो अपनी जान गवा चुके हैं उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और जिस तरह से कोरोना महामारी में सभी डॉक्टर्स ने ईमानदारी से अपने कर्तव्य निष्ठा से सेवा की है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही नहीं, उनको धरती का भगवान कहा जाता है, उनको किसी को ये उपाधि प्राप्त नहीं है। ऐसे अमूमन भी जब भी कोई डॉक्टर के पास इलाज के लिए लोग जाते हैं तो भरसक जो डॉक्टर्स गण है वो प्रयास करते हैं कि कैसी भी स्थिति में पेशेंट उनके पास जाए तो वो चाहते हैं कि भरसक उनकी जीवन जान बच सके, उनको स्वस्थ कर सके, ये उनका भरसक प्रयास रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। आज हमें यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स गण आए हुए हैं उनके प्रति अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और दैनिक भास्कर परिवार के तरफ से जो ये पहल की गई है, ये कार्यक्रम रखा गया है चिकित्सकों को सम्मानित करने का, अवार्ड देने का, इसके लिए भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करती हूँ। और दिनों दिन दैनिक भास्कर परिवार का आगे आप बढ़ते रहे हैं और लोगों के बीच
जिस तरह से आपकी पहचान बन रही है, पकड़ बन रही है पाठकों के बीच, और लगातार आप नई ऊंचाई को चूमे, यही आप सभी दैनिक जागरण दैनिक भास्कर परिवार के सभी साथियों को शुभकामना देती हूँ कि आप नई ऊंचाई को चूमे। और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं भास्कर परिवार के सभी साथियों का आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ऐसे अच्छे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय आपका, आपके इन शब्दों के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए हमारा और हमारे भास्कर परिवार के लोगों का। और चूंकि कार्यक्रम में समय कुछ लग रहा है कि व्यवधान न बन जाए, इसलिए थोड़ी सी फेरबदल करते हुए सीधे अब हम उन सम्मान समारोह की तरफ चलते हैं। और माननीय सांसद महोदय से मैं दरख्वास्त करूंगा आप कृपया मंच तक तशरीफ लाएं। माननीय सांसद पूर्णिया श्रीमान संतोष कुशवाहा जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच तक तशरीफ लाएं। और अब जो पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले डॉक्टर हैं, जिन्हें बहुत सृजन का नाम लोग लेते हैं चिकित्सा जगत में, सबके आदरणीय वंदनीय सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर डी राम, जिन्हें देवी राम कहते हैं, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। न केवल एक चिकित्सक हैं बल्कि समाज सेवी, और जिन्होंने इस तरह के काम को अंजाम दिया है जिससे न केवल पूर्णिया में बल्कि बिहार और राष्ट्र स्तर पर इनके नाम है, इनकी ख्याति है, इनकी पहचान है। आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम डॉक्टर डी राम सर को सम्मानित करते हुए, और इन्हें सम्मानित करते हुए सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती लेसी सिंह जी, और उनके साथ पूर्णिया के युवा सांसद संतोष कुशवाहा जी, और संपादक महोदय और यूनिट हेड महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कृपया मंच तक तशरीफ लाएं। ऑनरेबल राजेश सर और यूनिट हेड महोदय, डॉक्टर ई राम को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं और चिकित्सा जगत में बेहतरीन नाम, और आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं खुद को आज उन्हें सम्मानित करके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल डी राम सर आपका। आप इसी तरह से मरीजों की सेवा करते रहे, आपकी ये सेवा भावना बनी रहे, और आपसे गुजारिश होगी कि आप जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा तब लोग हमारे अतिथियों के साथ। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे बीच डॉक्टर मुकेश कुमार हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार पूर्णिया में एक जाना पहचाना नाम चिकित्सा जगत में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया मंच तक तशरीफ लाएं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय और उनके साथ साथ ही आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, आपको सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिहार स्टेट टू एडिटर मिस्टर राजेश रंजन, यूनिट हेड अजीत कुमार, मंत्री महोदय और सांसद पूर्णिया श्रीमान संतोष कुशवाहा जी, डॉक्टर मुकेश कुमार जो कि आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, इनकी अगुवाई में यहां पर पूरी डॉक्टर्स की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई डॉक्टर मुकेश सर आपको। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर कुशल कुमार, सद्भावना के नर्सिंग होम के हमारे कुशल डॉक्टर जो कि डायरेक्टर भी हैं, नाम भी इनका कुशल है और डॉक्टर भी चिकित्सक भी ये बहुत कुशल है, आप इन्हें देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इन युवा हाथों में चिकित्सा की जिम्मेदारी डी राम जैसे अनुभवी लोग सौंप हुए, और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज हम इन्हें सम्मानित करते हुए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, यूनिट हेड और बिहार टू स्टेट एडिटर मिस्टर राजेश रंजन सर के हाथों दैनिक भास्कर डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड 2022 पूर्णिया के इस ई होम्स पनोरमा के इस परिसर में
आप सभी डॉक्टर्स का सम्मान करते हुए। हमारे अगले चिकित्सक डॉक्टर ओपी शाह जो शहर के प्रसिद्ध फिजिशियन हैं, हमारे बीच हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं आज के हमारे सम्मानित डॉक्टर्स। ये तमाम लोग इनके लिए सम्मान बहुत ही छोटा है, लेकिन सम्मान तो सम्मान ही होता है। हम आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जब शहर के ऐसे नामचीन डॉक्टर्स को हम सम्मानित कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय और सांसद महोदय के हाथों सम्मानित होते हुए पूर्णिया के बेहतरीन चिकित्सकों में से एक, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। हमारे डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार सद्भावना हॉस्पिटल के हमारे युवा डॉक्टर, युवा चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार आज के इस मंच पर सम्मानित होते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय और उनके साथ सांसद महोदय और साथ ही हमारे सेक्रेटरी ऑनरेबल राजेश रंजन यूनिटेड मिस्टर अजीत कुमार के हाथों बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। आज बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे लिए, दैनिक भास्कर परिवार के लिए, जब आप को सम्मानित कर रहे हैं इस मंच पर। साथ ही हम यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को इस बात की सूचना दे रहे हैं कि जिस परिसर में ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है, हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य पार्टनर हैं ई पैनोरमा, आज छठी वर्षगांठ है उनकी, तो आज शाम में अब से कुछ ही देर के बाद उनका कार्यक्रम शुरू होगा और आप तमाम गणमान्य लोग आमंत्रित हैं। इसकी सूचना उनके जो फाउंडर डायरेक्टर हैं मिस्टर संजीव कुमार मिश्रा, उन्होंने दी है। उनकी तरफ से मैं ये सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप तमाम लोग आमंत्रित हैं ई पैनोरमा के आज के इस छठी वर्षगांठ के कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं ये जो सजा हुआ पूरी तरह से ये परिसर, इस परिसर में अब से कुछ ही देर के बाद कार्यक्रम शुरू होगा ई पैनोरमा ग्रुप का, जो अपनी छठी वर्षगांठ मना रहा है। और फिलहाल हम आज इस मंच पर दैनिक भास्कर के, दैनिक भास्कर जो 12 राज्यों से चलता हुआ 62 संस्करण, 3 भाषाएं और विश्व का तीसरा और भारत का सबसे बड़ा यानी नंबर 1 अखबार का समूह आज इस डॉक्टर्स राइट अवार्ड में सम्मानित करते हुए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर ब्यूटी रूबी मैम को, बहुत देर से मैम है यहां पर। डॉक्टर्स का समय बहुत ही कीमती होता है, कई पेशेंट्स आज वहां इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज यहां पर इस कार्यक्रम में आप आई हैं, पधारी हैं, बहुत गौरवान्वित हैं हम और आज यहां पर उपस्थित हुई हैं। आपको सम्मानित करते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय सम्मानित करेंगी। डॉक्टर ब्यूटी मैम सम्मानित होते हुए हमारे मंत्री महोदय से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर फैज अकरम जो न्यूरो सर्जन है, आपने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से पढ़ाई की और कोविड के दौरान आपने अपने जिले में हर जरूरतमंदों को चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की, जोरदार तालियों से आप उनका भी अभिनंदन करें। न्यूरो सर्जन हमारे बीच हमारे पूर्णिया शहर में, जिसकी तारीफ लगातार यहाँ के सांसद महोदय ने भी की कि कोविड के समय में बहुत ही बढ़ चढ़कर मरीजों की सेवा की, हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स को सम्मानित करते हुए। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको। और अब मैं डॉक्टर सनील हर्ष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया मंच तक तशरीफ लाएं। हर्ष हॉस्पिटल के ये सर्वोसर्वा भी बहुत ही युवा, बहुत ही प्रतिभाशाली, पूर्णिया के सरजमीन पर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं हर्ष हॉस्पिटल के माध्यम से आप लोगों के बीच इस
दैनिक भास्कर के बड़े मंच पर सम्मानित होते हुए, साथ ही मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच पूर्णिया के नगर विधायक विजय खेमकर सर और उनके साथ कृष्ण कुमार ऋषि सर से कि आप कृपया मंच तक तशरीफ लाएं। सर लोगों से आग्रह है कि कृपया मंच तक तशरीफ लाएं। आपकी अगुवाई में यह कार्यक्रम हो रहा है, आपकी सरपरस्ती में ऑनरेबल विजय खेमकर सर और उनके साथ कृष्ण कुमार ऋषि जो कि पूर्व मंत्री बिहार सरकार के, डॉक्टर तारकेश्वर कुमार। डॉक्टर तारकेश्वर कुमार, आपको बेहतर कार्य के लिए आईएमए दिल्ली द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे के हाथों आप पुरस्कृत हो चुके हैं, साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भी कोरोना वॉरियर के रूप में आपको पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। और साथ ही आप डॉक्टर रामचरित्र यादव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और समाज सेवी डॉक्टर प्रोफेसर रामचरित्र यादव के दामाद भी हैं। ये परिचय है हमारे डॉक्टर तारकेश्वर कुमार का। इन युवा कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी और इन्हें सम्मानित करते हुए और हमारे अगले सम्मानित होने वाले डॉक्टर हैं डॉक्टर एस सी सुमन। द्रौपदी नेत्रालय के देखिए यहां हर तरह के चिकित्सक हैं, न्यूरो सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी है और ये आंखों के डॉक्टर। बहुत लोगों को आजकल देखते हैं कि बहुत कम उम्र में चश्मा लग जाता है, उनके इलाज के लिए डॉक्टर साहब पूरी तरह से लगे रहते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, आज इस मंच पर भास्कर के मंच पर आज हम आपको सम्मानित करते हुए काफी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। तमाम हमारे आमंत्रित अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि महोदय के हाथों सम्मानित होते हुए और हमारे अगले डॉक्टर डॉक्टर आलोक कुमार हमारे बीच। डॉक्टर आलोक कुमार ईएनटी स्पेशलिस्ट, जब बात आंखों की आई तो उसके बाद ईएनटी की ही बारी आती है, ऐसे हमारे ईएनटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलोक कुमार। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूर्णिया के सरजमीन पर भास्कर डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड से सम्मानित होते हुए तमाम अतिथियों के द्वारा, साथ ही आप तमाम लोग आमंत्रित हैं आज ई पैनोरमा ग्रुप के छठे वर्षगांठ के मौके पर। अब से कुछ ही देर के बाद उनका ये कार्यक्रम शुरू होगा। संजीव मिश्रा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ई पैनोरमा होम्स के, उनकी तरफ से आप तमाम लोग सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर अंगद चौधरी ऑर्थोपेडिक सर्जन, बहुत ही सामाजिक, बहुत ही सरल और मृदु स्वभाव के डॉक्टर अंगद चौधरी ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डियों का इलाज करते हैं। मांसपेशियों में आजकल काफी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को और उसका बखूबी इलाज करते हुए पूर्णिया शहर में डॉक्टर अंगद चौधरी सम्मानित होते हुए हमारे दैनिक भास्कर के मंच पर हमारे तमाम अतिथियों के द्वारा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको आपके इन सम्मान के लिए। ये सम्मान बहुत ही छोटा है लेकिन हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप तमाम डॉक्टर्स को सम्मानित करते हुए। डॉक्टर हरिशंकर, डॉक्टर हरिशंकर सर दिल्ली हार्ट केयर के ऑनरेबल डायरेक्टर, आजकल हृदय की बीमारी काफी छा रही है और बहुत ही कम उम्र में युवा इसके शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स की बहुत आवश्यकता है। इन युवा कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे उन युवाओं को हार्ट डिजीज के आने वाले खतरे से रोकें, उन्हें बताएं, समाज में वो जागरूकता फैलाएं। एज ए हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको आपके सम्मान के लिए। डॉक्टर सुभाष सिंह, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुभाष सिंह से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं,
आप डॉक्टर सुभाष सिंह, बच्चों के इलाज करने में महारत हासिल है, विशेषज्ञता है उनकी, और आज दैनिक भास्कर के इस मंच पर सम्मानित होते हुए, चूंकि थोड़े से कार्यक्रम में हमने तब्दीली की है, चूंकि समय को आप देख रहे हैं कि बारिश बहुत तेज गति से हमारी और आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी तब्दीली की है, और ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस इस बात पर है कि हम अधिक अपने जो डॉक्टर्स हैं उन्हें सम्मानित कर पाए, जिनके लिए आज इतना बड़ा मंच हमने पूर्णिया के सरजमी पर ई पैनोरमा के इस परिसर में सजाया है। दैनिक भास्कर परिवार आप सबों को सम्मानित करते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको। साथ ही हमारे तमाम जो यहाँ पर अतिथि मौजूद हैं उनके लिए एक और आमंत्रण है, विशेष रूप से आग्रह है, आमंत्रण है, निमंत्रण है आपके लिए ई पैनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार मिश्रा की तरफ से, कि आज ई पैनोरमा ग्रुप का छठा वर्षगांठ है, तो आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। आपसे कुछ ही देर के बाद उनका कार्यक्रम शुरू होगा, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर डॉक्टर इफ्तिखार आलम। डॉक्टर इफ्तिखार आलम, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर इफ्तिखार आलम, आज दैनिक भास्कर के इस मंच पर सम्मानित होते हुए, और सभी सम्मानित होने वाले डॉक्टरों से मैं यह अनुरोध करता हूं कि आप कृपया यहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि इसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा हमारे तमाम अतिथियों के साथ। हमारे अगले डॉक्टर हैं शाहबाज करीम, हमारे सम्मानित होने वाले डॉक्टर्स में डॉक्टर शाहबाज करीम बहुत व्यस्ततम समय में से इन कीमती समय को निकाला है डॉक्टर साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन डॉक्टर साहब आपका सम्मानित होने के लिए हमारे इस मंच पर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पूर्णिया के सिविल सर्जन ऑनरेबल डॉक्टर एस के वर्मा सर से, कि आप कृपया मंच तक आए। यहाँ के पूर्णिया के ऑनरेबल सिविल सर्जन महोदय, आपसे गुजारिश है कि आप कृपया मंच तक तशरीफ लाएं, एक छोटा सा सम्मान है सर। पूर्णिया के सिविल सर्जन बड़ी जिम्मेदारी होती है, जब आप इस तरह के पदों पर होते हैं तो जब पद बड़ा होता है तो उम्मीदें भी बड़ी होती हैं, और डॉक्टर एस के वर्मा सर पूर्णिया के सिविल सर्जन, उन्हें सम्मानित करते हुए दैनिक भास्कर परिवार और मान्य विधायक जी लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। पूर्णिया की इस धरती पर सम्मानित होते हुए यहाँ के सिविल सर्जन डॉक्टर एस के वर्मा सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सम्मान के लिए। और अब मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनमें महाकाली मोटर्स के हमारे राजकुमार चौधरी जी और संजीत कुमार सुमन जी, बहुत ही युवा और ऊर्जावान साथी हैं हमारे, बहुत प्रतिभाशाली, और यहां पर
जिस तरह का सामाजिक काम कर रहे हैं ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी है, बहुत ही गर्व का क्षण है उनके लिए भी, एक पिता और पुत्र के लिए जब एक ही मंच पर दोनों को सम्मान मिलता है और सभी हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के हाथों सम्मानित किया जाएगा। हमारे दैनिक भास्कर डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड में हमारे ये पार्टनर्स राजकुमार चौधरी जी और संजीत कुमार सुमन, युवा न केवल यहाँ पर उद्योग का जाल बिछाने वाले हैं बल्कि समाज के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे युवा समाज सेवी संजीत कुमार सुमन और इनके साथ इनके पिता, इन दोनों का सम्मान अंग वस्त्र और एक साथ पिता और पुत्र को सम्मानित किया जा रहा है। और पिता आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी अपने युवा पुत्र पर सौंपी है उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। आज हमारे इस बड़े मंच पर सम्मानित हो काली मोटर्स, मां काली मोटर्स की ये तमाम दोनों राजकुमार चौधरी जी और उनके साथ उनके सुपुत्र संजीत कुमार सुमन जी सम्मानित होते हुए उद्योगों का जाल बिछा दिया इन लोगों ने और युवा कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अभिनंदन बधाई राजकुमार चौधरी जी आपका और संजीत कुमार सुमन जी, और बहुत आभार भी कि आप लोगों ने हमें सहयोग किया। इस बीच हमारे बीच डॉक्टर आभा प्रसाद मैम भी आ गई हैं, अभी अभी हम बहुत स्वागत करते हैं हृदय की गहराइयों से डॉक्टर आभा मैम का और उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच पर कि वो मंच पर आए और हमारे आज के इस दैनिक भास्कर के डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड में ये सम्मान हमारे अतिथि महोदय के हाथों आप ग्रहण करें। दैनिक भास्कर डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड में डॉक्टर आभा मैम सम्मानित होते हुए डॉक्टर आभा मैम को सम्मानित करते हुए माननीय मंत्री महोदय श्रीमती लेसी सिंह जी लगातार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और बिहार में लगातार मंत्री पद को सुशोभित करते हुए जन सरोकार से जुड़े हर समस्या को सुलझाने की एक सफल कोशिश और अभी वर्तमान में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के हाथों बहुत बहुत बधाई डॉक्टर मैम आपका। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिनके परिसर में आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है हम सबका। दैनिक भास्कर परिवार निश्चित रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है। ई पैनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार मिश्रा, जोरदार तालियां बजाएं आप उनके लिए। मिस्टर संजीव कुमार मिश्रा ई पैनोरमा ग्रुप के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप के लिए एक छोटा सा सम्मान हमारे तमाम अतिथियों की तरफ से, आपके इस परिसर में आज इतना बड़ा कार्यक्रम दैनिक भास्कर का, यहाँ डॉक्टर्स को हम सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको भी सम्मानित करके बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एकदम नीचे से ऊपर उठने वाले ऐसे मिस्टर संजीव मिश्रा, समय बहुत कम है, इनके विषय में बताएं। आज ई पैनोरमा ग्रुप का भी छठा वर्षगांठ है, जब से कुछ ही देर के बाद बनाया जाएगा। अपनी पुत्री के साथ इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप मिस्टर संजीव मिश्रा मैनेजिंग डायरेक्टर ई पैनोरमा ग्रुप। इनकी जर्नी की अगर आप बात करें तो एक टूटे घर से, जहां इनके घर का छत टूटा था वहां से उसकी शुरुआत की थी इन्होंने। और तब भी एक सपना देखा था कि हम हर किसी को घर उपलब्ध कराएंगे, जहां उनका घर टूटा हुआ न मिले उनको। उस सपने को लेकर मैं 26 रुपए लेकर अपने घर से निकले थे, कटिहार होते हुए दिल्ली तक का सफर तय किया और आज पैनोरमा सिटी के नाम से मशहूर और पूर्णिया की पहचान लगातार जो बनते चली जा रही है, वो ई पैनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव मिश्रा सम्मानित होते हुए हमारे इस मंच पर, जहां दैनिक भास्कर का ये बड़ा मंच डॉक्टर सराइड अवार्ड। थैंक यू सर। और हमारे बीच डॉक्टर ललित कुमार,
डॉक्टर स्प्राइट अवार्ड की बात हो रही है। डॉक्टर ललित कुमार हैं, युवा बहुत ही प्रतिभाशाली डॉक्टर ललित कुमार आज सम्मानित होते हुए इस मंच पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम अतिथियों का कि आप सबने अपना बहुत ही कीमती समय दिया है और तमाम डॉक्टर्स को आज हमने इस मंच पर सम्मानित किया है। आप सब धीरे धीरे हमारे सभी अतिथि अपनी जगह पर जाते हुए और आइए आप तमाम लोगों को आप थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं और आपके बीच आपके लिए चलते हैं कल्चरल प्रोग्राम की तरफ जहाँ एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद है आपको एंटरटेन करने के लिए अपने नृत्य से मोहने के लिए। तो आइए हम और आप आज दैनिक भास्कर के इस बड़े मंच पर जहां डॉक्टर्स का हम सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड पे पीहू अपना एक बहुत ही प्यारा सा डांस पेश कर रही है। तो आइए हम और आप आज इस दैनिक भास्कर के इस मंच पर इस छोटी सी बच्ची का ये डांस देखते हैं। आइए आपके बीच मिस पीहू। सबके सुनने अंदर अंदर पूरन की जयकार देव के नंदन तुमको वंदन रखते सबके आज सबके सुनने अंदर अंदर पूरन की जयकार। मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास बजैया तारन हार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके नाच सबके स्वामी अंदर हमें पूरण कीजिए काज। लीला परंपार तेरी धीमा किंचोर कहावे महासागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। तू कसारा तू बांसुरी वाला तेरी भक्ति में नाचे सबका। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप जोरदार तालियां बजाइए पीहू के लिए क्योंकि आपकी तालियां हैं जिससे इसके लिए बहुत बड़ा हौसला बनेगी आगे चल के जब ये छोटी सी कोशिश कर रही है। और आइए आप सबों के बीच एक और छोटी सी प्रस्तुति एक फोक नृत्य है आकांक्षा डांस अकेडमी पूर्णिया के ये तमाम कलाकार आपके बीच अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आइए पीहू के इस खूबसूरत डांस के बाद ये ग्रुप डांस आकांक्षा डांस अकेडमी पूर्णिया के तमाम छात्राओं की ओर से।
तुम्हारा बारे कदमवा सुनाइए और अब मैं माननीय सांसद महोदय से और पूर्णिया के सदर विधायक महोदय से आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच तक आए। कुछ और डॉक्टर्स से हमारे बीच मौजूद, उनको सम्मानित करना इस मंच पर। मैं इसलिए दरख्वास्त करूंगा सांसद महोदय से और माननीय पूर्णिया के नगर विधायक महोदय से कि आप कृपया मंच तक आए, और यूनिट हेड महोदय और संपादक सर से मेरी रिक्वेस्ट कि आप कृपया मंच तक आए। मैं बहुत ही आदर के साथ मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर वरुण कुमार ठाकुर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया मंच तक तशरीफ लाएं, और ये छोटा सा सम्मान आज दैनिक भास्कर के मंच पर जहां डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि समाज में इनकी क्या भूमिका है ये किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। इस धरती का भगवान अगर किसी को कहा गया है, जिन्हें लोग जीवन के रूप में देख सकते हैं, तो वो डॉक्टर्स ही हैं। ऐसे डॉक्टर वरुण कुमार ठाकुर जो सुपरिंटेंडेंट हैं मेडिकल कॉलेज के, उनको सम्मानित करते हुए पूर्णिया के सांसद, यहाँ के नगर विधायक और यहाँ के स्टेट एडिटर बिहार टू मिस्टर राजेश संजन, यूनिट हेड मिस्टर अजीत कुमार, बहुत बहुत बधाई सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और थैंक यू, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको।
और मैं हमारे दैनिक भास्कर परिवार के जो सभी साथी हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर आज सम्मानित हुए हैं उन सबको लेकर मंच पर आ जाए, क्योंकि ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ पर होगा। उस यादगार लम्हे को हम सहेजने के लिए आज यहाँ पर एक ग्रुप फोटोग्राफ उन तमाम डॉक्टर्स के साथ हमारे अतिथि महोदय, माननीय मंत्री महोदय से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, और साथ ही पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री कृष्ण कुमार ऋषि सर से कि आप कृपया मंच तक आए, चूंकि अब एक ग्रुप फोटोग्राफ उन सभी डॉक्टर्स के साथ जिन्हें आज हमने इस मंच पर सम्मानित किया है, दैनिक भास्कर डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड। सभी सम्मानित डॉक्टर्स इस मंच पर जिन्हें आज सम्मानित किया गया, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो अभी संभवतः लगातार अपने पेशेंट्स के साथ हैं, वो अभी नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनका जो पूरा समय है वो अपने जिनकी वो सेवा करते रहते हैं और जिनके लिए आज उन्हें ये सम्मान मिल रहा है, उन तमाम लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, और आज इस मंच पर वो सभी डॉक्टर्स जिन्हें आज हमने इस मंच पर सम्मानित किया है दैनिक भास्कर के डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड में। एक ग्रुप फोटोग्राफ हमारे सभी सम्मानित डॉक्टर्स, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे पार्टनर्स ई होम्स पेनोरमा के, महाकाली मोटर्स के साथ ही दैनिक भास्कर के बिहार स्टेट एडिटर मिस्टर राजेश रंजन राजकुमार सर से भी रिक्वेस्ट होगा कि आप कृपया मंच तक आए। महाकाली मोटर्स के मनोहर जी, आप कृपया इस बात का ख्याल रखें कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उन्हें आप मंच तक ले आए। महाकाली मोटर्स के ऑनरेबल राजेंद्र चौधरी जी, राजकुमार चौधरी जी और साथ ही ई होम्स पेनोरमा के मैनेजिंग डायरेक्टर फाउंडर मिस्टर संजीव मिश्रा, जिनके सर में इतना बड़ा कार्यक्रम आज भास्कर परिवार की तरफ से। ये ग्रुप फोटोग्राफ हमेशा के लिए एक यादगार क्षण को कैद करते हुए अपने कैमरे में हमारे तमाम फोटोग्राफर्स जिनकी बड़ी भूमिका है, और कल जब आप अखबार के पन्नों को पलटेंगे तो हमारे फोटोग्राफर्स की जुबानी, साथ ही मंच पर मौजूद हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, पूर्णिया के सांसद ऑनरेबल संतोष कुशवाहा, पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका जी और कृष्ण कुमार ऋषि पूर्व मंत्री बिहार सरकार, साथ ही बनमनखी के विधायक महोदय, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है। और चूंकि इतना बड़ा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ और अपने व्यस्ततम समय में से अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे इस मंच को यहाँ पर दिया है बिहार की माननीय मंत्री महोदया ने, जो यहाँ की बेटी भी है और यहाँ की बहू भी है और बखूबी उन दायित्वों को निभाते हुए ऐसे पूर्णिया की इस बेटी और इस बहू, साथ ही बिहार सरकार की माननीय मंत्री महोदया आज के हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्रीमती लेसी सिंह महोदया से आग्रह हुआ कि छोटा सा सम्मान आपके लिए महोदया, और हमारे
बिहार स्टेट टू के टीचर ऑनरेबल मिस्टर राजेश रंजन और यूनिटेड मिस्टर अजीत कुमार सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। ये छोटा सा सम्मान दैनिक भास्कर परिवार की तरफ से राजेश रंजन और यूनिटेड महोदय के हाथों साथ में मनोहर जी जो कि पूर्णिया के ब्यूरो चीफ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत अभिनंदन मंत्री महोदय आपका। श्रीमती लेसी सिंह हैं आप, बिहार सरकार की माननीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, लगातार बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार मंत्री महोदय आपका। और और अब मैं आग्रह करना चाहूंगा पूर्णिया के युवा सांसद, लगातार पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑनरेबल मिस्टर संतोष कुशवाहा से कि आप आए, और ये छोटा सा सम्मान है हमारे भास्कर परिवार की तरफ से, भास्कर समूह की तरफ से, विश्व का तीसरा और भारत का नंबर वन अखबार का समूह आपको सम्मानित करते हुए हम काफी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय, बिहार टू के स्टेट टीचर मिस्टर राजेश रंजन और साथ में यूनिटेड मिस्टर अजीत कुमार, सम्मानित करते हुए माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत बधाई माननीय सांसद महोदय, और बहुत आभार आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच बनमनखी के विधायक ऑनरेबल कृष्ण कुमार ऋषि सर मौजूद हैं कि आप आए और ये छोटा सा सम्मान हमारे भास्कर परिवार की तरफ से आप स्वीकार करें, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। हम आभारी हैं आपके माननीय विधायक महोदय, आप मंत्री रहते हुए लगातार बहुत ही अच्छा काम किया है कला और संस्कृति के लिए, रामायण सर्किट की स्थापना, ऐसे बहुत सारे काम है जो गिनाए जा सकते हैं, क्योंकि समय की आज कमी है। बहुत बहुत आभार शुक्रिया आपका ऑनरेबल विधायक महोदय। कृष्ण कुमार ऋषि हैं आप, बहुत 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 शुक्रिया। और अब मैं पूर्णिया के नगर विधायक और जिनकी अगुवाई में कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है जिनकी विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे विजय खेमका जी जो लगातार दूसरी बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं, इस मंच पर आए और ये छोटा सा सम्मान आपके लिए कि आपने लगातार हमारा हौसला बढ़ाया है दैनिक भास्कर का, तो ये छोटा सा सम्मान आपके लिए हमारे राजेश रंजन सर और यूनिटेड मिस्टर अजीत कुमार, साथ में मनोहर कुमार है जो ब्यूरो चीफ है पूर्णिया के, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और जो सह सम्मान यहां पर जिन्होंने हमें सहयोग किया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आकांक्षा डांस अकेडमी के तमाम बच्चों से, साथ ही पीहू और मिस्टर अमित कुमार, ये सब यहां पर बारी बारी से आएंगे और हमारे संपादक महोदय और यूनिटेड के हाथों एक छोटा सा सम्मान उनके लिए भी। पीहू आकांक्षा डांस अकेडमी के सभी बच्चे और मिस्टर अमित कुमार जिन्होंने गणेश वंदना पर बहुत ही बढ़िया
आकांक्षा डांस अकेडमी के बच्चों से गुजारिश है और उनकी टीम के टीम लीडर से क्या पाएं, और एक छोटा सा सम्मान है आपके लिए हमारे बिहार के स्टेट एडिटर मिस्टर राजेश रंजन और यूनिट हेड मिस्टर अजीत कुमार के हाथों ये छोटा सा सम्मान आपके लिए। आकांक्षा डांस अकेडमी के बच्चे, आपसे गुजारिश है कि आप कृपया मंच पर आए और ये सम्मान आप ग्रहण करें। आकांक्षा डांस अकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर राजू गुप्ता अपनी टीम के साथ दैनिक भास्कर के मंच पर सम्मानित होते हुए हमारे स्टेट एडिटर ऑनरेबल मिस्टर राजेश रंजन और यूनिट हेड महोदय के हाथों। मैं पीहू से दरख्वास्त करूंगा कि पीहू जिन्होंने बहुत ही बढ़िया नृत्य किया था, अगर मेरी आवाज पीहू के गानों तक पहुंच रही तो वो कृपया आए इस मंच पर और ये छोटा सा सम्मान पीहू आप ग्रहण करें। और मिस्टर अमित कुमार जिन्होंने बहुत ही बढ़िया भाव नृत्य किया था गणेश वंदना पर, साथ ही आप सभी आमंत्रित हैं आज पैनोरमा सिटी के छठे वर्षगांठ के मौके पर एक शानदार कार्यक्रम होना आपसे कुछ ही देर के बाद। और जो डॉक्टर्स कुछ उस समय तक नहीं आ पाए थे, मैं बहुत ही क्षमा चाहते हुए एक बार फिर से उन नामों को आपके बीच रख रहा हूं जिन्हें आज इस मंच पर सम्मानित होना था, लेकिन उनके लिए पहली प्राथमिकता और आखिरी प्राथमिकता उनके मरीज होते हैं, तो मरीजों की सेवा कर रहे थे, वैसे तमाम डॉक्टर्स के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः उनका नाम मैं घोषित कर रहा हूं इस मंच से। डॉक्टर एके गुप्ता जो कि सर्जन है वो, डॉक्टर उमेश कुमार फिजिशियन माधुरी क्लिनिक, और आइए आप सबों के बीच हमारी छोटी सी बच्ची पीहू जिन्होंने बहुत ही बढ़िया डांस किया था, बिहार के स्टेट एडिटर ऑनरेबल मिस्टर राजेश रंजन और यूनिट हेड मिस्टर अजीत कुमार के हाथों सम्मानित होते हुए ये छोटा सा सम्मान इस बच्चे के लिए, लेकिन उनका उत्साह निश्चित रूप से काफी बढ़ाने वाला कि और बेहतर करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगी। आज बहुत ही बेहतरीन डांस इन्होंने किया था दैनिक भास्कर के मंच पर ई होम्स पैनोरमा के इस परिसर में, बहुत बहुत बधाई पीहू। और साथ ही मैं अमित कुमार अगर यहां पर मौजूद हो तो उनसे भी आग्रह किया कि इस मंच तक तशरीफ लाएं। डॉक्टर उमेश, डॉक्टर नवनीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार जो कि बिहार कैंसर सर्जिकल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित कुमार डॉक्टर अजय मेहता जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं, आपको भी आज हमने इस मंच पर सम्मानित किया है, लेकिन आप अपने मरीज की सेवा में लगे हैं। डॉक्टर एन केजरीवाल, डॉक्टर एस एस प्रसाद जो कि सर्जन हैं, डॉक्टर संजीव कुमार फॉर्मर स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए, डॉक्टर शांतनु शुभम, डॉक्टर तंजीम जर्मी, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर कुंदन कुमार सिंह, डॉक्टर सरगर जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप सबको भी हमने आज इस मंच पर सम्मानित किया है, और डॉक्टर विनोद धारीवा, ये तमाम डॉक्टर्स जो आज मरीजों की सेवा कर रहे थे उनके लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो एक बार फिर से इस बात की सूचना देते हुए कि आज दैनिक भास्कर ने इस बड़े मंच पर पूर्णिया के इस ई पैनोरमा के परिसर में आप तमाम लोगों के बीच डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड उन चिकित्सकों का सम्मान किया जिन्होंने कोविड के समय में अपनी सेवा भाव से यहां के तमाम लोगों को अपनी सेवाएं दी, और जरा भी परवाह नहीं कि कोविड की, उन तमाम डॉक्टर्स को सम्मानित करने का दिन था। आप तमाम लोग यहां पर आए, इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की, इसके लिए मैं दैनिक भास्कर परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित यहां पर आए हुए अतिथियों का, यहां के गणमान्य लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आभार प्रकट करता हूं हमारे तमाम पार्टनर्स का, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं
हमारे ई होम्स पनोरमा के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स और महाकाली ग्रुप के तमाम लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं मनोहर जी से कि वो आए और आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। मिस्टर मनोहर कुमार धन्यवाद। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्राइड अवार्ड के लिए, जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी सहयोग मिला है दैनिक भास्कर परिवार दिल की गहराइयों से उनके प्रति कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करता है। खासकर परनवा ई होम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मिश्रा जी, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस डॉक्टर प्राइड अवार्ड में हमारे साथ रहे। इस कार्यक्रम के को प्रेजेंटर बर्जिस ऑटोमोबाइल्स महाकाली ग्रुप के भी प्रति दैनिक भास्कर परिवार की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। जितने भी डॉक्टर्स यहां उपस्थित हो सके और जो उपस्थित नहीं हो सके, जिन्होंने सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिनके लिए दैनिक भास्कर परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों का भी योगदान रहा, हमारे साइकिलिंग एसोसिएशन के मित्र, श्री राम सेवा संघ के मित्र यहाँ लगे रहे कार्यक्रम में, दैनिक भास्कर टीम के सारे सदस्यों के प्रति, आकांक्षा डांस ग्रुप अमित जी नन्ही परी पीहू के प्रति भी दैनिक भास्कर परिवार काफी आभार व्यक्त कर धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मनोहर जी, और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। तब आप सब लोग यहाँ पर अगला कार्यक्रम जिस परिसर में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ दैनिक भास्कर परिवार का आज छठी वर्षगांठ है ई पैनोरमा हाउस का। अब कुछ ही देर के बाद उनका कार्यक्रम शुरू होगा, तो तब तक हम आप तमाम लोगों से दैनिक भास्कर की पूरी टीम के साथ अब आपसे यहीं पर विदा चाहते हैं और आप लोग अब अगला कार्यक्रम यहाँ पर जो होगा उसका आनंद उठाएंगे। लेकिन हमें यानी अपने दोस्त मिलिंद गुंजन को दीजिए अनुमति। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। हेलो 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 हेलो, वहाँ पे माइक नहीं लगेगा। हेलो हेलो ई होम्स पनोरमा इस कैंपस में जितने भी अतिथिगण आए हैं, हम सभी पनोरमा परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम पनोरमा ग्रुप अपना छठा वार्षिकोत्सव आपके सामने इस कलरफुल शाम में आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ देर बाद हमारे मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त जी के शुभ हाथों से मंच पर विधिवत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।